नमस्कार दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रमजान से ठीक एक दिन पहले मोदी गवर्नमेंट ने सीएए कानून को लागू कर दिया। सीएए पे आपको हजारों प्रोपेगेंडा वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप पूरे सीएए के बारे में समझ सकेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सीएए है क्या। सीएए एक ऐसा कानून है जिसमें हमारे 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदूज, बौद्ध, सिख, जैन, ये सब माइनॉरिटीज जो हैं, इनका बहुत प्रोसिक्यूशन किया है इन 3 देशों में। ये जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स इन 3 देशों से हमारे देश में आए हैं, वो छोटी छोटी बस्तियों में बिना किसी बेसिक फैसिलिटीज के रह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई कानून था ही नहीं जिसके अंतर्गत हम इनको हमारे देश की सिटीजनशिप दें। तो चलिए अब हम वो 8 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिनसे हम इस पूरे CAA कानून को समझ सकेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, What are the implications of the act for Muslims who have been living in India? क्या इस कानून से हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों को कोई असर पड़ेगा? एंड इस एक्ट के बाद किसी भी इंडियन सिटीजन को अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक्ट सिटीजनशिप देता है, ना कि किसी की सिटीजनशिप लेता है। इंडियन मुस्लिम्स को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके राइट्स उतने ही सुरक्षित हैं जितने अदर कम्युनिटीज के। दूसरा पॉइंट है, इज देयर एनी प्रोविजन और एग्रीमेंट फॉर रिपार्शिएटिंग इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स टू बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो दोस्तों, इस कानून में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जो भी मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में आए हैं उन्हें वापस भेजने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। सो तीसरा पॉइंट है, हु इज इलीगल माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट है कौन? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंतर्गत इलीगल माइग्रेंट वो फॉरनर्स होते हैं जो हमारे देश में बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के घुस जाते हैं। तो चौथा पॉइंट है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑन द इमेज ऑफ इस्लाम? क्या इस एक्ट से इस्लाम की इमेज पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे कि इन 3 देशों में माइनॉरिटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, जिससे इस्लाम की इमेज जो है पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। हालांकि इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है जो कभी भी कोई हेट्रेड, वायलेंस या पर्सिक्यूशन धार्मिक ग्राउंड पे नहीं सिखाता। सो अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, इज देयर एनी बार फॉर मुस्लिम्स फ्रॉम सीकिंग इंडियन सिटीजनशिप? क्या इन 3 देशों से मुस्लिम्स हमारे देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते? तो दोस्तों, किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन किसी भी धर्म के मानने वाले पे नहीं है। कोई भी देश का नागरिक हमारे देश की सिटीजनशिप ले सकता है बाय नेचुरलाइज्ड प्रोसेस। तो आइए अब बात करते हैं 6वें पॉइंट की, व्हाट इज द नीड ऑफ द अमेंडमेंट? हमें इस अमेंडमेंट की जरूरत भी क्या आन पड़ी? तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये 3 देश हमारे अखंड भारत का हिस्सा रह चुके हैं, और हमारा फर्ज है कि अगर इन 3 देशों में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, तो एज अ बिग ब्रदर हमारा ये फर्ज बनता है कि इन 3 देशों के जो माइनॉरिटीज हैं वो हमारे देश में आए, हम उन्हें अपनी सिटीजनशिप दें और वो अपना सेफ फ्यूचर यहाँ पे देख सके। तो आइए अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की, What are the previous initiatives of the government? सरकार के कुछ पुराने initiatives क्या हैं इन लोगों को citizenship provide करवाने की? तो दोस्तों, 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जितनी भी माइनॉरिटीज के लोग हैं इन 3 कंट्रीज से, इन्हें लॉन्ग टर्म वीजा के लिए एलिजिबल कर दिया था, ताकि वो लंबे समय तक इंडिया में स्टे कर सके। तो दोस्तों, अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि सीए जो है वो किसी की भी सिटीजनशिप नहीं लेता, इसलिए चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम माइग्रेंट हो, चाहे वो किसी भी देश से हो, अगर वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो वो जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अंतर्गत वो अप्लाई कर सकता है, हमारे देश की सिटीजनशिप उन्हें मिल सकती है। और ये एक्ट किसी भी मुस्लिम को प्रिवेंट नहीं करती कि वो हमारे देश की सिटीजनशिप ना ले सके, चाहे वो इन 3 इस्लामिक कंट्रीज की हो या फिर किसी भी दूसरे देश। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारे पॉइंट समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये सिटीजनशिप देता है, ना कि किसी की सिटीजनशिप। तो दोस्तों, आप अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सीएए लाके गवर्नमेंट ने ठीक किया या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।